बंधुगण एही वर्ष 29 अक्टोबर 2023 रविवार दिन ठारो आरंभ हेबाकु जाउछि पुण्यर मास कार्तिक मास। आजर एही भिडियोरे आमे आलोचना करिबा धर्मर मास कार्तिक मासरे केउ कार्य कले आमकु पूरा मासर पुण्य फल प्राप्ति होइथाय एवं केउ कार्य करिबा अनुचित केउ खाद्य खाइले आमकु पुण्य फल प्राप्ति होइथाय एवं केउ खाद्य खाइले पूरा मासर धर्म नष्ट हो जाए से आपण मानक गोटे निवेदन वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं भक्तिर सहकारे कमेंट बॉक्स रे जय श्री विष्णु जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखंतु। बंधुगण शास्त्र कहंती कार्तिक मास भली आउ कौनसी मास नाही। आमर जो 12 गोटी मास अछि सेही 12 मास मध्यरु कार्तिक मास हेउछि सर्वश्रेष्ठ मास। सत्य युग भली युग नाही, वेद भली शास्त्र नाही एवं गंगा भली पवित्र तीर्थ संसार रे दुनिया रे भूमंडल रे नाही। तेणु मास मानक मध्यरे कार्तिक मास हेउछि सर्वश्रेष्ठ मास। कार्तिक मास को धर्मर मास बोली कहंती, पुण्यर मास बोली कहा जाए। एही कार्तिक मास शरत पूर्णिमा ठारो आरंभ होई कार्तिक पूर्णिमा बा राहस पूर्णिमा पर्यंत एहि कार्तिक मास भोग होइथाय। एहि कार्तिक मास रे सूर्य महाग्रह तुला राशि रे संचार करिथांति। एहि 2023 मसीहा रे अक्टोबर 29 तारिख रविवार ठारु नवंबर 27 तारिख सोमवार पर्यंत एहि कार्तिक मास भोग हेबो। एहि मास रे मुख्यतः 10टी कार्य को प्राधान्य दिया जाइथाय। आपण को निवेदन, आपण चेष्टा करंतु एहि कार्तिक मास रे एहि 10टी कार्य करिबा पाई। कौन से 10टी कार्य? स्कंध पुराण कहंती एहि कार्तिक मास आरोग्य लाभ पाई, रोगनाश पाई, सद्बुद्धि प्राप्ति पाई तथा माता लक्ष्मीकर साधना पाई सर्वोत्तम अटे। तेणु एहि कार्तिक मास अति गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिथाय आम मानक जीवन रे। एहि कार्तिक मास रे 10टी कार्य निहाती करिबा दरकार। कौन से 10 गोटी कार्य आसंतु जानिबा। प्रथम कार्यटी हेउछि स्नान करिबा। साधारणतः आमे अन्य दिन मानकरे जेतेबेले स्नान करूछे किंतु कार्तिक मासरे शास्त्र कहुछन्ते कि आपणकु प्रातः स्नान करिबा पई। जदि कार्तिक मासरे आपण प्रातः स्नान करूछन्ति ताहेले आपणकु कोटि पुण्य प्राप्ति होइथाय। एहि कार्तिक मासरे साधारणतः तीर्थ नदी मानकरे स्नान करिबा उचित। जदि आपणक पाखापाखी तीर्थ नदी नाही, आपण तीर्थ नदी रे स्नान करि पारिबे नाही, ताहेले आपण जदि घरे स्नान करि पारिबे गंगा जल रे शुद्ध जल मिसाई आपण स्नान करिबे। प्रातः स्नान करिबा द्वारा शरीर शुद्ध हेबा सहित आमर मन शांत रहिथाय। शास्त्र कहंती भगवान विष्णु एहि कार्तिक मास रे जल रे निवास करिथांति। तेणु प्रातः समय रे सूर्य उदय पूर्वरु आमकु स्नान करिबाकु पड़िबो। एहा द्वारा आमकु पूरा कार्तिक मासर पुण्यर फल प्राप्ति होइथाय। द्वितीय कथा हेला कि व्रत रखिबा। एहि कार्तिक मासरे कार्तिक व्रत रखिबा बहुत महत्वपूर्ण अटे। जदि कार्तिक व्रत रखंती ताहेले अग्निष्टम यज्ञ सम फल प्राप्त होइथाय। एहि कार्तिक मासरे भगवान श्री विष्णु को दामोदर नाम रे पूजा करा जाय थाए, जहाँ को आमे जानिछे राई दामोदर पूजा बा राधा दामोदर पूजा बोली। धर्मसिंधु ग्रंथ सुंदर भावरे कहंती, जो व्यक्ति विशेष माने कार्तिक मास रे कार्तिक व्रत न करंती से माने घुसिरी जोनि को प्राप्ति हुवंती। तेणु आपण 12 मास भितरे सबठारु उत्कृष्ट एवं पुण्य मास हिसाब रे कार्तिक मास रे कार्तिक व्रत रखिबा निहाती जरूरी। तृतीय कथा हेला कि दीप दान करिबा। धर्मसिंधु ग्रंथ सुंदर भावरे वर्णना करिछन्ते कि जो व्यक्ति विशेष माने कार्तिक मास रे दीप दान करंती से माने 1600 कला को प्राप्त होइथांती। कार्तिक मास रे दीप दान करिबार अर्थ समस्त दानर पुण्य फल को प्राप्त करिबा। तेणु कार्तिक मास रे दीपदान करिबार विशेष महत्व रहिअछि। प्रत्येक दिन सकालु प्रातः स्नान सारी सूर्य महाग्रह को पूजा करिबा।
सूर्य महाग्रह को दीपदान करिबा, तापरे माता वृंदावती को जल समर्पण करिबा, वृंदावती को पूजा करी वृंदावती को दीपदान करिबा उचित, तापरे राई दामोदर बा राधा दामोदर को पूजा करिबार विधि रहिछि। एही कार्तिक मासरे जदि आमे कार्तिक मासरे दीपदान करूछे ताहले समस्त पुण्यफल आमको प्राप्त होइथाए। चतुर्थ कथा हेउछि भूमि रे शयन करिबा। कार्तिक मासरे खट गदी तकिया आदिरु विच्युत रही भूमि उपरे शयन करिबा दरकार। एहाद्वारा कार्तिक मासर संपूर्ण पुण्यफल आमको प्राप्त होइथाए एवं बुद्धि विकसित होवा सहित प्रभुंक चरण रे आमको स्थान मिलिथाए। तेणु एही कार्तिक मासरे जेउ माने कार्तिक व्रत करुछंती सेमानकु कहि रखिबाकु चाहिबी, सेमाने खटगदी को परित्याग करि आपण भूमि उपरे शयन करंतु, पूरा मासर पुण्यफल आपणको प्राप्त हेब। पंचम कथा हेउछि कि तुलसी पूजन। कार्तिक मासरे तुलसी पूजनर विशेष महिमा रहिअछि। एमितिरे भी समस्ते सनातन धर्मी मनुष्य माने माता वृंदावती को पूजा करती, किंतु कार्तिक मास गोटे एभली मास। एही मासरे विशेष भाव माता वृंदावती को माता तुलसी को पूजा करिबार विधि विधान रहिअछि। प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक दिन तुलसी माता को पूजा करिथाए। तुलसी केवल जे आम परिवारर अभीष्ट सिद्धि करंती नाही, तुलसींकर महिमा बहुत अपार रहिअछि। जमदूतंक ठारु मध्य माता वृंदावती माता तुलसी आमको रक्षा करिथांती एवं धर्म अर्थ काम प्राप्त होइथाए। धर्मसिंधु ग्रंथ सुंदर भावरे तुलसी पूजन विषय कहंती। एही कार्तिक मासरे भगवान हरिंकु जेउ व्यक्ति विशेष लक्ष्य तुलसी अर्पण करंती, से व्यक्ति प्रत्येक तुलसी पत्र रे गोटिए गोटिए मुक्ता दान करिबा सहित समान। मुक्ता दान कले जेतिके पुण्य फल मिले प्रभु श्री हरि को एही कार्तिक मासरे जदि आमे तुलसी लागि करूछे, चेष्टा करिबा लक्ष्य तुलसी लागि करिबा पाई। जदि आमे प्रभुंकु हरिंकु तुलसी लागि करूछे कार्तिक मासरे, ताहेले मुक्ता दानर पुण्य फल आमको प्राप्त होइथाए। आहुरी मध्य कुहा जाइछि जेउ तुलसीर मंजरी जदि सेही तुलसी मंजरी को कार्तिक मासरे भगवान श्रीहरिंकु नै पूजा करूछे, ताहेले अनंत कोटीर पुण्यफल आमको प्राप्त होइथाए। एही कार्तिक मासरे मध्य अँला वृक्षर पूजनर विधि रहिअछि। शास्त्र कहंती एही कार्तिक मासरे जेउ व्यक्ति विशेष माने अँला वृक्ष को पूजा करंती एवं कार्तिक मासरे अँला वृक्ष तले ब्राह्मण मानको भोजन दान करंती, बंधु परिजन सहित जदि निजे अँला गछ मूलरे भोजन करंती, ताहेले अनंत पुण्यफल प्राप्त होइथाए। तेणु ही कार्तिक मासरे तुलसी पूजन सहित अँला वृक्षर पूजार मध्य विधि रहिअछि। षष्ठ कथा हेला कि तैल वर्जन करिबा। कार्तिक मासरे देहरे आमे तेल लगाइबा अनुचित। पूरा मास तमाम तैल वर्जन कले अखंड पुण्यफल प्राप्ति होइथाए। सप्तम कथा हेला कि सात्विक भोजन करिबा। एही कार्तिक मास बा धर्म मासरे आमर खाद्य पदार्थ उपरे आमको संयमता रखिबाकु पड़िबा। कार्तिक मासरे गाजर मूला सालगम पियाज रसुण हेंगु सजना बाइगण पाणिकखारु पणस तरभुज कईंथ एवं जेउ द्रव्य को दुई थर रोसेई करा जाए सेहिबळी द्रव्य को वर्जन करिबा दरकार। जेमिति आपणकर सुजी हालुआ हेउ, प्रथमे सुजी को आमे भाजुछे, तापरे पुणी क्षीर नेकी सिझौछे। तेणु दुई थर करागला, तेणु विशेष भावरे कार्तिक मासरे सुजी को वर्जन करिबा दरकार। ता सहित आमिष बासी खाद्य हरड़ मसूर चणा कोलथ बटर आदि को मध्य वर्जन करिबा उचित। सप्तमी तिथि रे अँला एवं राशि खाइबा मना अटे। अष्टमी तिथि रे नड़िया खाइबा अनुचित। एही कार्तिक मासरे आमे आमर खाद्य उपरे संयमता रक्षा करिबा को पड़िबा। अष्टम कथा हेला कि
इंद्रिय संयम। कार्तिक मास रे जदि आम व्रत करुछे बा जदि व्रत न करुछे ताहेले मध्य एही कार्तिक मास रे आमे आमर इंद्रिय मानक उपरे संयमता रक्षा करिबा को हेबो। केमिति आमे संयमता रक्षा करिबा? कार्तिक मास रे आमे खराब काम करिबा नाही, कुकर्म करिबा नाही, लोभ करिबा नाही, क्रोध करिबा नाही, काहा विषय रे किछि खराब चिंताधारा आनिबा नाही, काहा सहित झगड़ा करिबा नाही एवं काहार अनिष्ट हेला बळी कोनोसी कार्य करिबा नाही। एही भळी भाबरे आमे आमर इंद्रिय को संयमता करिबा। एहा कार्तिक मासर मध्य मुख्य भूमिका अटे। नवम कथा हेला कि दान करिबा। एही कार्तिक मासरे स्नान एवं दान करिबार बहुत महात्म्य रही अछि। एही कार्तिक मासरे आपण कोनोसी ब्राह्मण को किंवा आपणकर कुल पुरोहित को दान करंतु। दान करिबार महात्म्य, दान करिबार विशेषता एही कार्तिक मासरे ही रही अछि। तेणु कार्तिक मासरे आपण जदि दान करुछंति ताहा अन्नदान हेउ, ताहा वस्त्रदान हेउ, जे कोनोसी दान जदि आपण करुछंति ताहेले निश्चिंत भावरे कार्तिक मासर पुण्यफल आपण को प्राप्ति होइथाय। दशम कथा हेला कि पूजा पाठ। कार्तिक मासरे विशेष भावरे आमे प्रभु श्रीहरि को पूजा करिबा दरकार। जेमिति श्रावण मास प्रभु भोलानाथ को समर्पित अटे, मार्गशीर मास माता लक्ष्मी को समर्पित अटे, से ही भली कार्तिक मास भगवान श्रीहरि को समर्पित अटे। तेणु एही कार्तिक मास रे आपण पूजा पाठ करिबा को केबे भी भूलंतु नाही। प्रातः स्नान करि सारिबा परे सूर्य पूजा करिबा दरकार, तापरे मृंदावतींकर पूजा करिबा दरकार, राई दामोदर बा राधा दामोदरंकर पूजा करिबा दरकार। तेणु कार्तिक मास रे जेऊ पूजा पद्धति, जेऊ पूजा विधि रही अछि, एही कार्तिक मास रे आमे पूजा करिबा द्वारा कार्तिक मासर पुण्यफल आमको प्राप्त होइथाय। तेणु बंधुकण यह तो थिला सही दस गोटी कार्य जहाँ को आपण एही कार्तिक मासरे निश्चय करंतु, आपण को पुण्य प्राप्ति हेब। तेबे आपण को जदि भिडियोटी भल लागिथाय ताहेले तळे थिबा आम कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी, जय श्री विष्णु अवश्य लिखंतु एवं भिडियो को गोटे लाइक करंतु। धन्यवाद।